हाँ अब बोलो बेटा क्वेश्चन 23। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी ए एक्स माइनस बी होल अपॉन सी एक्स माइनस ए। ओके प्रूफ दैट एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा ठीक है, तो बेटा एक काम करेंगे हम, सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। सो नाउ फ्रॉम हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो वी विल से इट इज सी एक्स वाई माइनस ए वाई माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स इंटू सी वाई माइनस ए इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी। तो एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो अगर हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन वी कैन ऑल्सो से दैट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, सो दिस इज एफ इनवर्स ऑफ y, एंड व्हाट वाज योर रिक्वायरमेंट? एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। हमें कैन यू हेयर मी? यस सर। एक बार वो बोल जो जो मैंने अभी बनाया था, एफ एक्स क्या था लास्ट? सर आपने लास्ट बनाया था एफ माइनस वन वाई इज इक्वल टू एक्स। एक मिनट मुझे वो बता दो जरा, सी एक्स माइनस क्या था? ए। What was the question, beta? Sir, fx equals to y equals to ax minus upon cx minus a. हाँ, और हमने जो नया वाला फंक्शन बनाया f इनवर्स y वाला, ay minus b upon cy minus a. Yes, sir. हाँ, तो अब देखो बेटा, अगर आप इस फंक्शन को देखो एंड इस फंक्शन को देखो, सो यहां पर सिर्फ वेरिएबल्स का ही तो रिप्लेसमेंट है, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही है ना। सर आपने इसमें f माइनस वन क्यों लिखा है, समझ नहीं आया। वो बेटा समझे नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? यस सर। तो x इज इक्वल टू आई कैन से इट इज सम h ऑफ y, h of y, g of y, कुछ भी बोल सकता हूँ। यस सर। तो ये वो g of y वाला फंक्शन है। ओके सर। हाँ, तो ये फंक्शन इज कमिंग द सेम एज दिस फंक्शन, बिकॉज अगर हम इसमें x की जगह t रख दें और इसमें y की जगह t रख दें तो दे विल लुक द सेम। ये क्या हो जाएगा, ए टी माइनस बी अपॉन सी टी माइनस ए, और ये भी वही हो जाएगा ए टी माइनस बी अपॉन सी टी माइनस ए। दैट मीन्स दे आर द सेम, जो आपको प्रूव करना था। समझ आया बेटा? यस सर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? सर 25th। यस सर। क्वेश्चन बोलो बेटा। If x square मतलब bracket में x उसका square minus 5x plus 6 is equal to 0, where ऐसे no sir, so square brackets x के ऊपर है। एक second, फिर लिखा हुआ है where square bracket denote the greatest integer function। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन। कौन सा था क्वेश्चन? 25। यस सर। जस्ट अ सेकंड।
हाँ अच्छा ठीक है ओके ओके देखो ये है ना बेटा, यहां पर ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, जस्ट टी. सो दिस इक्वेशन बिकम्स टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0. तो हम इसको लिख सकते हैं टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0. तो टी का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 2 और 3, राइट? यस सर. नाउ इफ यू आर सेइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 2, अब एक बात बताओ, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो सकता है? Do you remember what is greatest integer? The between 2 and 3. Haan, so between 2 and 3, where 2 is included and 3 is not included. Right? Yes, sir. And what about greatest integer of x equal to 3? Then x belongs between to what? 3 and 4. 3 to 4. Ab, if we are saying they can be merged together because ye bhi chalega aur ye bhi chalega, so your answer will be 2 to 4. 4 will not be present. 2 से लेकर 4 तक एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ओके सर. और किसी का कोई डाउट सर? क्वेश्चन 37. ओके जस्ट वेट. Yes, F is 2, 4, 5, excellent. F is 2, 4, 5, 6, 8 minus 1, 10 minus 3. Okay. And G is 2, 5, 7, 1, 8, 4, 10, 13, 11, 5. Be two real functions, then match the following. Acha, F2 minus G2 kya hoga beta? Bolo. ये बोल रहे F माइनस G. अच्छा एक बात बताओ, F और G का कॉमन डोमेन क्या है? हाँ बेटा सर, 2, 8, 10. 2, 8 and 10, बाकी तो है नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम f माइनस g डिफाइन करते हैं तो वी कैन ओनली डिफाइन इट फॉर 2, 8 and 10. सो नाउ इफ वी से व्हाट इज f2 माइनस g2, सो इट विल बी व्हाट, -1, f8 माइनस g8 विल बी 5. And F10 minus G10 will be minus 16. ये options हैं. हाँ तो बेटा A का third answer है, मिला, समझ आया आपको? Yes sir. इसी तरीके से आपको प्लस करना पड़ेगा. आप प्लस करोगी यहीं पर तो क्या हो जाता बताओ, यहीं पे आंसर बताओ. प्लस करोगी तो F2 प्लस G2 9, F8 प्लस G8 3 एंड F10 प्लस G10 10, तो 9, 3, 10. तो वो फोर्थ ऑप्शन है 9, 3, 10 का.
समझ आया? यस समझ आया। हाँ, इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू हैड टू कीप इन माइंड इज दिस कि अगर हम दो फंक्शंस को कंबाइन करके एक थर्ड फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं hx is equal to fx minus gx, this will be only defined for the common domain. Because for the other values, like if we put x equal to 5, then this has an answer, but this does not have an answer. तो ये 5 के लिए defined ही नहीं है, okay? तो हमें वो common ground create करना पड़ेगा, जिस common ground में हम इसको solve कर सकें. Do you get it? Yes, sir. हाँ. ये जिन लोगों ने question पूछ, जिसने बेटा किसने question पूछा? आपका नाम क्या बेटा? सर सोहिनी। सोहिनी, ये एक बात बताओ, ये बाकी लोगों ने ये question कर लिया था क्या? Yes, sir. सबका हो गया था ये question? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. चलो अच्छी बात है, गुड। और क्या है बेटा, और किसी का कोई डाउट? नो? शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर? हेलो, ओके, हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक, फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है? दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टॉपिक, इसके बाद वी विल डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास, इसके बाद we will also discuss trigonometry for non right angle triangles, that is called solutions of triangles. ठीक है, but first of all let's understand the very basics. I'll start from what you have already done in class 10th and move on to class 11th. एक बात ध्यान रखिएगा, this is like super important, मतलब बहुत 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 ज्यादा important. Trigonometry is like one of the pillars of mathematics. देखिए, अगर आपको अभी, मतलब I'm just saying it to give you an explanation of what we are getting into, that if today I ask you how many of you have understood relations and functions, and out of the whatever number of children are in the class, half of them say ki we have not understood, yeah, we have not understood totally, or you know, anything like that. I would not be bothered by that. The reason is, this is just introduction what you've done in class 11th. Abhi sirf aapko topic introduce kiya aur kuch bhi nahi kiya hai, relations and functions. But if it comes to trigonometry and at the end of the chapter you say you have not understood trigonometry, then it will be a problem, because trigonometry is something that you will study in class 11th only. 12th में आपको सिर्फ इसका एप्लीकेशन करना है और हर जगह अप्लाई करना है. इवन इन क्लास 11th, इन द सबसीक्वेंट चैप्टर्स देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू विल यूज ट्रिग्नोमेट्री, बट आई एम रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट यू विल बी डूइंग इन क्लास 11th. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट यू विल बी डूइंग इन क्लास 12th, बिकॉज आपके पास कभी भी टाइम नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री दोबारा पढ़ने का. एंड दिस इज समथिंग दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड नाउ, you will never understand in the next 2 years, and it will always haunt you. I'm telling you that much. So please keep that in mind for the next, it will take us about 15-20 days, it about 3 weeks
टू गेट थ्रू दिस चैप्टर. बहुत कुछ सीखना है इसमें आपको. बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पिकिंग अप थिंग्स. और जितना जितना जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उतना उतना आप रोज 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 उसको रिवाइज करके उसको अपने सिस्टम का हिस्सा बना लीजिए. बिकॉज अगर आपने सोचा मैं बाद में कर लूंगा, अभी तो ऑनलाइन है, अभी तो ऑफलाइन होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा बेटा. ये दोबारा कभी नहीं पढ़ पाओगे और हमेशा रोते रहोगे इसके लिए. जहां भी एप्लीकेशन पार्ट आएगा, 12th में 50% सिलेबस कैलकुलस है और उस 50% सिलेबस का 20-25% 30% इवन 40% तक भी आप मान सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है. तो इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा. तो वी स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द वेरी बेसिक. आई एम कंसिडरिंग कि किसी को कुछ नहीं आता है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है. मैं ये मान के चल रहा हूं वी आर ऑन क्लीन स्लेट, वी डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. सो आई विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल. ऑल्दो in the subsequent classes we will prove that this is not entirely true, but as of now let us consider with our limited knowledge yes it is only applicable to a right angle triangle, and let's label that right angle triangle as ABC and this angle is theta, and using this length of the sides according to the angle theta we can form six type of ratios. इसको हम P बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको H बोल देते हैं. These are the perpendicular base and hypotenuse. Please remember, hypotenuse is fixed, ये यहीं पर रहता है. Perpendicular and base interchange their positions according to the placement of theta. Because perpendicular is actually the opposite side, as you already know, and base is the adjacent side. Obviously, theta यहाँ जाएगा तो base ये हो जाएगा और perpendicular ये हो जाएगा. तो वो ध्यान रखिएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे. Now if we find sine theta, तो sine theta is equal to what? AB upon AC, that is P by H, cos theta B by H, tan theta P by B, cosec theta क्या होगा? H by P, sec theta H by B, tan cot theta B by B, ठीक है. यहीं से हमको कुछ रिजल्ट्स और मिल जाते हैं. cos theta into sec theta is equal to 1, sin theta into cosec theta is also equal to 1, and tan theta into cot theta is equal to 1. They are all reciprocals of each other. Although these statements are not entirely true, you will learn this everything, but as of now let us consider मोर ऑर लेस ये कॉन्सेप्ट राइट है, ठीक है. सेकेंडली आपने यहां पर यू हैव स्टडीड द यू हर्ड ऑफ द क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इन क्लास 10. सो द फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सेकेंड इज सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. एंड थर्ड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. सो दीज आर दीज थिंग्स वी आर अवेयर ऑफ. Okay, and these are called identities because they are permanent. You always you can use them at any place, any time. There is no problem. They are always with you. पहले इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं. सर चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज. जी सर यही नाम है. ठीक. हाँ हाँ
डन सर। सर एक मिनट। हाँ जी, I'll just get water for myself, just give me a moment. Had he done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. Next is I'm not going to the derivation of the ratio values that you've already done in 10th, but I will certainly give you a reminder of the value chart because we will be needing it. जब तक मैं बना रहा हूँ तब तक आप भी ऐसा एक box बना लो. सर वी हैव टू इसको रटना चाहिए या सर एग्जाम में हम इसको बना सकते हैं? नहीं नहीं भाई, एक बात समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री में ना समझने के लिए सब ठीक है बट अल्टीमेटली सब रटना पड़ेगा. ठीक है सर, मतलब मैं टीचर्स कहती थी कि इसको ये इजी है बनाना पर सर एग्जाम में टाइम नहीं होता तो उसको रटना ही पड़ेगा. हाँ इसीलिए तो, वही तो प्रॉब्लम है. ऐसे तो मैं आपको हर चीज का डेरिवेशन सिखा दूंगा, ठीक है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प बिकॉज वहां पे थोड़ी ना इतना टाइम होता है कि आप उसको डिराइव कर पाओ. ठीक है सर, गॉट इट. ये इसका पूरा मिरर इमेज होगा, उल्टा हो जाएगा. डिवाइड साइन एंड कॉस टू गेट टैन. नॉट डिफाइंड, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इनफाइनाइट भी मानना पड़ता है कभी कभी. यहां पर नॉट डिफाइंड, व्हाई नॉट डिफाइंड? बिकॉज ये जीरो है तो इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा. 2 root 2, 2 by root 3 and 1. Reciprocal of sine. Sec is reciprocal of cos. So 1, 2 by root 3
root 2 and again not defined because यहाँ पर cos 0 है. Not defined again tan का reciprocal root 3 1 by root 3 and 0 because यहाँ पर हम infinity का reciprocal बोल रहे हैं इसको तो 0 होगा. जल्दी से बनाओ चार्ट. इस चार्ट के दो पार्ट्स हैं. यहाँ पर है रेशियो, यहाँ पर है एंगल. तो हियर वी आर लुकिंग एट एंगल्स एंड इन दिस डायरेक्शन वी आर लुकिंग एट रेशियोस. जस्ट गो थ्रू इट वंस, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट इफ यू हैवंट ऑलरेडी डन दैट. Done. Yes, sir. Done. Done, sir. याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. याद है. सबने नोट कर लिया? Yes, sir. Okay. अच्छा, अब सबसे पहले एक काम करते हैं. मैं ज्यादा नहीं आपको, आई गिव यू 5-10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज दैट यू हैव डन इन 10th. मैं 11th का भी कुछ नहीं दे रहा आपको. जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
हाँ, आई एम सेंडिंग अ कॉपी ऑफ एग्जाम्पलर क्लास 10th. हाँ, जस्ट ओपन दैट जो मैंने भेजा है आपको. In the PDF, come to exercise 8.1. Do question 5. Nine. 11 11 12 13 So I haven't been added to the group because I got shifted from the Saturday Sunday batch to this batch now. मैं वहाँ भेज दे रहा हूँ बेटा. अच्छा. हाँ. सर दीज मच ओनली. हाँ एक सेकंड बोल रहा हूँ बेटा. जो 8.2 है उससे क्वेश्चन 6. हाँ, एंड 8.3 क्वेश्चन 2, 6, 15. तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन दे रहा हूं जस्ट टू ब्रश अप योर क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री. एंड 8.4 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 12. सर एक बार रिपीट कर दोगे? मर गया, मार दिया तुमने तो मुझे. 8.2 का सर. एक सेकेंड, पहले 8.4 के लिख लो. 1, 12 और 10 भी कर लो बेटा. एक ओके सर, एक बार ये तीन तो इसके हो गए. अच्छा, और इससे पहली एक्सरसाइज जो 8.3 थी, 8.3 है ना यहाँ, 8.3 में क्या बताया मैंने बेटा? 2, 6 and 15. और 8.2 के लिख लिए बेटा तूने? सर जस्ट क्वेश्चन 6. हाँ, 8.2 का क्वेश्चन 6. ओके सर, डन. हाँ बस इतने ही, फटाफट चालू कर दो आप लोग अभी. और कोई नहीं आया तो पूछो, बट आई वॉन्ट की बिकॉज ये 10th का ब्रशअप करा रहा हूं आपको मैं, बिकॉज ये सब काम आएगा हमको. सो 8.1 का क्वेश्चन 11. सर 10th में कैंसिल हो गया था ना ये? यस सर, डिलीट हो गया था सर्विस सर. अच्छा क्वेश्चन 11 बेटा, क्वेश्चन 11 वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ ना. देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? इट इज कॉस थीटा, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. ओके, तो जैसे आपको उन्होंने बोला है साइन स्क्वायर 68, तो यू कैन से इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68, यानी इट इज कॉस स्क्वायर 22. तो जो पहला वाला एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22, ये वन हो जाएगा. ऐसे ही दूसरा, बाकी सब समझ में आ रहा है?
यस सर ओके सर हाँ It's a question five as well.